Welcome to Ashan Chaudhary Physics Classes at BD Gurukul. Today I am going to discuss or describing or to prove Lenz formula. Lenz formula क्या होता है ये बेटा आप लोगों ने थोड़ा बहुत टेंथ में भी सीखा था. ये अभी जो हम बेसिक सिखाए हैं लेंस का अपर्चर क्या होता है फोकस क्या होता है ये सारी बातें मैंने इसलिए बताए. कुछ टीचर कहेंगे ये लेवल टेंथ का है. ठीक है बेटा टेंथ में तो बच्चे इतना होशियार नहीं थे जो उसको ध्यान रखते. तो वहाँ पर मैंने शुरू में ही बताया था ऑप्टिक्स के एक एक पॉइंट मैं बताऊँगा. उसमें से किसी को हम कोई डिलीट नहीं करेंगे और हर पॉइंट हमने समझाने का प्रयास किया है. बार बार आप लोगों को ये भी कहते रहते कोई प्रॉब्लम है तो पूछो कमेंट बॉक्स में डाल दो. और आप लोग तो मेरे क्लास के बच्चे होते इसलिए आप लोग वीडियो क्लास के बाद भी पूछ सकते हो. जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए भी. तो इस तरह से आज हम लेंस में फार्मूला बताने जा रहे हैं. लेंस फार्मूला कन्वेक्स लेंस में होता है और कनकेव लेंस में होता है. लेंस फार्मूला सबसे पहले हम यहाँ हेडलाइन डाल दिए. अब आपको कहेगा डिराइव और प्रूफ लेंस फार्मूला. डिराइव और प्रूफ लेंस फार्मूला. बच्चे डायरेक्ट डायग्राम बनाए चल दिए. नहीं भाई थोड़ा धीरज रखो. उसको इस तरह से बनाओ जो टीचर लुक है. आपने ऊपर में लेंस फार्मूला लिख दिया. यदि भाई देखो ये पूछते हैं डिराइव लेंस फार्मूला तो आपको कन्वेक्स का दोनों केस लिखना पड़ेगा कनकेव का भी लिखना पड़ेगा. यदि स्पेशली आपको कहते हैं कन्वेक्स में का बताओ तो कन्वेक्स में दो केस होते हैं रियल इमेज के लिए वर्चुअल इमेज के लिए. दोनों बताना पड़ेगा. और यदि आपसे केवल कनकेव पूछते हैं तो कनकेव में एक ही है. लेकिन यदि सिंपली कहते हैं लेंस फार्मूला निकालो तब आपको तीनों लिखना पड़ जाता है और तब पेपर हो जाते हैं लेंदी. तब ये पाँच नंबर से कम में तो सवाल ही नहीं उठता है. अब यहाँ पर हमने सबसे पहले लेंस फार्मूला दिए. अब इसका इंट्रोडक्शन क्या डालें. सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालो. इंट्रोडक्शन. अब ये इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखें. द रिलेशन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसी को यहीं ब्रैकेट में हमने लिख दिया यू. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस अक्षर से शो करते हैं हम. यू. द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर सेंटर एंड रेडियस एंड फोकल लेंथ इसको यहीं पर हम एफ लिख दिए. और इमेज डिस्टेंस को यहाँ पर हमने वी लिख दिए हैं. वी लिखते हैं. द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड लेंस फार्मूला. इज कॉल्ड लेंस फार्मूला. स्पेशल वर्ड है यहाँ पर अंडरलाइन कर दो. यहाँ तक ये लिखो. इंट्रोडक्शन में पॉइंट नंबर वन ये हो गया. अब आपके सेकेंड पॉइंट में लिख लो. इंट्रोडक्शन में इतना दे दिए. लेंस फार्मूला फार्मूला इन कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस फॉर रियल इमेज. अब यहाँ पर हेडलाइन हमने डाला लेंस फार्मूला. तब ये आप लिखते हो लेंस फार्मूला इन कन्वेक्स लेंस. इसी में पार्ट वन किए हैं बेटा. इसी को ए बना दो. बी यहाँ छूट गया लिख देते हैं. इट इज चलो मिटा ही देते. इट इज गिवन एज फॉलोज फॉलोज आपके 1/v - 1/u = 1/f. इंट्रोडक्शन में ये दो पार्ट आपने बना दिया. आगे बात समझ. अब आपको जब इतना कहता लेंस फॉर्मूला इट इज गिवन एज फॉलोज
वन बाई वी, और हमने मिरर में बताए थे वन बाई वी, वन बाई यू वहाँ भी बताए थे। अब यहाँ पर क्या है, वन बाई वी माइनस मिरर में प्लस था, बस इतना ही अंतर है। यहाँ पर ये जो लिखे हो ये आपके एफ लिखते, वन बाई एफ भी लिखे थे मिरर में, और वहाँ आर भी लिखते हैं, तो आर कब लिखते हैं तो टू ऊपर लिख देंगे, टू एफ दैट इज आर हो जाएगा, या कभी कभी चेंज कर देते हैं, मैं बना ही देता हूँ, टू अपॉन आर, आर इक्वल टू टू एफ करेंगे, क्यों, यहाँ पर सेंस एफ आर इक्वल टू टू एफ, यदि टू एफ आप लिख देते हो तो टू एफ होगा, टू टू कट जाएगा, वन बाई एफ बचे हुए रह जाएंगे। यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन में डाल दिए। सेकंड पॉइंट में देखो, लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला इन कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस फॉर रियल इमेज, इमेज यदि रियल, रियल में जो आज के डेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इस तरह से सेपरेट करके, केवल लेंस फार्मूला कह देगा, तो हमने अभी बताया था आपको तीनों करने पड़ जाएंगे, लेकिन ये लिखा रहता है इन कन्वेक्स लेंस फॉर रियल इमेज। अब इसको हम करेंगे कैसे, हेडलाइन हमने ये डाल दिया, हेडलाइन के बाद आप देख लो यहाँ पर, हमने यहाँ पर ये बना दिया लेंस, बीच में एक लाइन खींच लो सीधा, स्केल से खींचोगे और यहाँ से आपके बीच में चला गया ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका लेबलिंग जरूरी है, बच्चे बुक से देखते हैं, बुक में लेबल नहीं किया हुआ है, यू हैव टू लेबल ऑप्टिकल सेंटर सी, और यहाँ से जितने डिस्टेंस पर बेटा आपने यहाँ एफ लिखे थे एफ डैश, ठीक उतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर टू एफ डैश, और यहाँ तक ये हमारे पास आ गए, ठीक उसी हिसाब से उतने डिस्टेंस पर यहाँ पर हम एफ लिखते हैं और यहाँ पर हम टू एफ लिखते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का देखो बेटा, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया, ये हमारा ए और बी है। अब इमेज बनाने के लिए आई वी नीड एटलीस्ट टू रेज, एक रेज हमने पैरेलल ड्रॉ किया, ये कहाँ से पास करेगा सौरभ, जो पैरेलल रेज होते हैं तो कहाँ से पास करते हैं बेटा, ऐसे करने से होता है, जगह का नाम बताओ, फोकस से पास करेगा, तो फोकस से लाइट आपने पास करा दिया। मेजरमेंट सही ढंग से स्केल से लोगे तो एक्यूरेट आ जाएगा, नहीं तो ये दोनों डिस्टेंस के बीच में कहीं बनेगा। दूसरा रेज हम ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ये देखो यहाँ आके कट गया, चला गया। अब जहाँ कटते हैं देखो बेटा, जहाँ कटते हैं यहाँ से आप परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन से डालना, ये हो गया ए डैश, कहने मतलब ए जो पॉइंट था उसका इमेज ये है, और हमने ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनाया। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल दें तो ऑब्जेक्ट, तो ठीक यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिए डॉटेड लाइन से, इसको हमने लिख दिया बी डैश, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पॉइंट में लिखो या बिना पॉइंट में लिखना चाहते हो तो भाई पॉइंट में ही लिख देते हैं। तो अब आपके देख लो द पहला पॉइंट, द एस्केमेटिक, द एस्केमेटिक रे डायग्राम, रे डायग्राम, रुक जाओ यहाँ पर जगह छोड़ दे, यहाँ स्पेस कम है, यहाँ पर दूसरा इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पर देख लो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमने खींच दिया ऑब्जेक्ट के, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा U हो गया। अब यहाँ से ये इमेज बन रहा है, हमने इधर खींच दिए, ये V हो गया इमेज का डिस्टेंस, और F हम इस साइड लेते हैं बिकॉज F इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में हमने यहाँ से F बना दिया यहाँ तक, ये लिख दिए। अब इसमें देखो यहाँ लिख देते हैं, तो पार्ट ए, पार्ट ए हमने लिखा, देखो द एस्केमेटिक, द एस्केमेटिक रे डायग्राम, रे डायग्राम
रे डायग्राम ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन इज शोन इन फिगर। ये पहला पॉइंट बना दिए। सेकेंड पॉइंट में बेटा पोजिशन लिख दो, ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट, यहीं पर लिख दो ए बी इज बियॉन्ड, इज यानी लाइन ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस बियॉन्ड टू एफ डैश हुज इमेज, इमेज इज ए डैश बी डैश बिटवीन, लाइंग बिटवीन, लाइंग बिटवीन एफ एंड टू एफ, एफ और टू एफ के बीच में ही हो गया, बन गया आपके यहाँ पर। अब इमेज का नेचर बताओ, सी यहीं पर नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इमेज इज रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ये आपके हो गए। इस तरह से पॉइंट वाइज बना दिया। अब आपके देख लो बेटा, आपको दो ट्रायंगल लेना है, एक ये ट्रायंगल हमने लिया अब यहाँ पर, और एक ट्रायंगल ये ले लेंगे, और थोड़ा सा और भी बता देते हैं। इस लेटर को यहाँ पर हमने डी डाल दिया, जिससे हमें ए बी सी डी आ जाएगा आपके, और बाकी सारे ठीक है, देख लिए। अब इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश इन डी, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन यहीं पर लिख दो सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर कैसे हो गया भाई, ये 90 डिग्री है, ये भी इसका 90 डिग्री है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो बाय ए एक क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा प्रोपोर्शनल, दिस कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब ये आपने जब इंडिकेट कर दिए प्रोपोर्शनल, तब आप लोग देयरफॉर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, अब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लिखे हैं, बी डैश सी अपॉन बी सी, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब हमें और ट्रायंगल कहाँ दिखते हैं, ये एक दिखते हैं, सिमिलरली, सिमिलरली इन सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, आपको ए बी लेके चलना है तो अपने आप दिखेगा एक ट्रायंगल ये है, एक एक ट्रायंगल ये है, ए डैश बी डैश एफ एंड डी सी एफ एंड ट्रायंगल डी सी एफ, इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, ए डैश बी डैश अपॉन सी डी, ए डैश बी डैश अपॉन सी डी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ, यहाँ तक नोट कर लिए। बट अब इधर से, बट ए डैश, बट ए वी इक्वल टू सी डी, ए बी सी डी के बराबर है,
क्योंकि ए डी सी बी ई ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो इस आधार पर ये क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश सी डी की जगह पर हमने ए बी लिखा इक्वल टू बी डैश एफ, बी डैश एफ अपॉन सी एफ, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। पॉइंट में देख लिया आपने, नोट करा दिया हमने। अब फ्रॉम फर्स्ट, अब इसके बाद लिखो एफ में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में देख लो बेटा, यहाँ भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है और इसमें भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो बी डैश सी अपॉन बी सी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, सभी डिस्टेंस यहाँ से लेते हैं। अब हमें इसका यूजिंग यहाँ लिख दो, यूजिंग कार्टेशियन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब आपके सबका वैल्यू लिखो, बी डैश सी, बी डैश सी हमारा क्या हो गया, वी, यहाँ पर प्लस वी, प्लस वी, और बी सी, बी से बी से लेके सी तक ये माइनस यू, माइनस यू, सी एफ, सी से लेके एफ तक दैट इज फोकल लेंथ, ये आपके हो गया प्लस एफ। इसको हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं बेटा, ध्यान रहेगा, एंड बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ ये है, तो हमने बी सी लेके उसमें से सी एफ माइनस कर देंगे, बी डैश सी माइनस सी एफ, बी डैश सी हमारा हो गया वी माइनस एफ। पुटिंग दीज वैल्यूज यहाँ लिख देते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में, इन थर्ड इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। अब इसमें जैसे पुट करेंगे बेटा, तो देख लो बी डैश सी अपॉन बी सी है, तो बी डैश सी वी अपॉन यू, वी अपॉन माइनस यू, और यहाँ पर बच गया आपका बी डैश एफ वी माइनस एफ अपॉन एफ, ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। अब इधर जो बेटा आप लोग लिख लिया ना, थोड़ा स्पेस शॉर्ट पर इधर मिटा रहा हूँ मैं, अब यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लो, मल्टीप्लाई करेंगे V से F को, तो देख लो हमने V से F को कर दिए वी एफ, वी से F को करें वी एफ, अब U से करेंगे तो माइनस यू वी इक्वल टू माइनस यू वी, माइनस U से उसको किए तो माइनस माइनस प्लस यू एफ, प्लस यू एफ, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर मिला। आगे बात समझ में, अब देखो बेटा मुझे ध्यान नहीं है, अब अचानक हमारे अब किस कहते हैं किसको इधर रखें किसको उधर रखें, तो अब आपके टोटल क्या चीज़ है, यू वी एफ है ना, तो आप डिवाइडिंग डिवाइडिंग एच टर्म बाय यू वी एफ, तो आपके क्या बन गया वी एफ अपॉन यू वी एफ माइनस यू वी अपॉन एफ, यू वी एफ देख लो इसके भी हो गए प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ। अब इसमें से वी एफ कट गया वन जा, तो
आपके क्या मिलेगा, वन बाय यू, यू वी इसमें ये कट गए, ये कट गए तो वन जा, तो माइनस वन बाय एफ, और प्लस इसमें से यू और एफ कैंसिल हुए, वन जा तो वन अपॉन वी। अब एफ वाले को हम इधर ले आते हैं वन साइड, दैट इज वन बाय एफ, तो वन बाय वी माइनस वन बाय यू ऐसे लिखो, या वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ। दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला। आए बात समझ में? तो आपके इसमें से किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट है तो पूछो, ये सारे एक ही पैटर्न से बनेंगे, कोई परेशानी नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस लेंस फार्मूला फॉर इन कन्वेक्स लेंस फॉर वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के केस में हम कैसे करते हैं? बेटा इसमें जैसे ऊपर बनाए हो, नंबर सारा वही मैं डाल देता हूँ, जो एक लर्न करोगे तो दूसरा लर्न हो जाएगा। अब इसमें देख लो, हमने यहाँ पर लेंस बना लिए, अब ये लेंस है हमारे पास, अब इसके लेबलिंग करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे सारा, ऑप्टिकल सेंटर से, इससे जितना स्केल से रखना, स्केल कॉपी पर रखना, यदि 4 सेंटीमीटर पर लियो तो ये 8 पर लेंगे, 8 पर, यहाँ पर ये हो गया F, और उसका डबल डिस्टेंस पर 2F, तब इमेज अपने आप सही आएगा। और इधर जितना डिस्टेंस लिया ठीक उतना ही डिस्टेंस पर इधर F डैश, और यहाँ पर हमने 2F डैश ये इंडिकेट कर दिए। आपने 6 केसेस पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन की, उनमें से लास्ट केस जो था, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइंग बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस वी ऑब्टेन वर्चुअल इमेज इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। उसी तरह से यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रेज पैरेलल गया, जो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगा, फोकस से। दूसरा रेज आपके यहां से गया ऑप्टिकल सेंटर से, अब ये जो दोनों रे गए हैं तो आगे दोनों मिलेगा नहीं, क्योंकि दे आर डाइवर्जिंग, ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, दूर हट रहे हैं, तो आगे चल के और दूर हट जाएगा, मिलने का तो कोई चांस। तब हम इसको क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं, यहाँ पर आके दोनों मिल रहा है, यहाँ यहीं से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हमारा हो गया ए डैश, और यहाँ डाल दिए ये बी डैश। अब जिस तरह से हमने पॉइंट में दिखा दिया ठीक ऐसे ही नोट कर लो इसमें, यहाँ पर देख लो बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये हमारा यू हो गया, इमेज का डिस्टेंस ये भी इसका इधर ही है वी, ये हो गया, और एफ इधर लेते हैं एफ, ये हो गया हमारे पास, इसे भी पॉइंट में लिख दूं। देखो द एस्केमेटिक रे डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज, इस तरह से आपने ये डायग्राम देखा, द स्कीमेटिक रे डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज शोन इन फिगर। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का देखो कहाँ पर है, इमेज देखो कहाँ पर है, हेयर ए बी इज ऑब्जेक्ट लाइंग बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया ए बी दोनों के बीच में है, हुज इमेज इज ए डैश बी डैश ऑफ द सेम साइड ऑफ
सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड हैं। अब यहाँ पर इमेज का नेचर बता दो। इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल इसलिए कि इसको पीछे बढ़ाने पर बना, अपने आप कटा नहीं है। जब हम पीछे बढ़ा के काटते हैं तो वर्चुअल हमेशा रहेगा। इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ये लिख दिया आपने। अब डी में देख लो, इन ट्रायंगल डी, इन सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल देयरफोर आपके ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए वी इक्वल टू ए डैश बी डैश, बी डैश सी, बी डैश सी अपॉन बी सी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आगे बढ़ा समझ में। अब यहाँ पर एक का निकाल, अब दूसरा ट्रायंगल कहाँ से लेंगे? इसको हम यहाँ डी लिखते आए हैं, डी लिख दिया हमने। अब ये डी के कारण क्या होगा? देखो एफ से काट रहा है ये, इधर क्या लेंगे? ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी हम ले चुके हैं, तो ए डैश बी डैश एफ ई। नाउ इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश एफ एफ, देख लो यहाँ से ए डैश बी डैश एफ ये हो गए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी सी एफ एंड ट्रायंगल डी सी एफ। इसमें भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा, ए डैश बी डैश अपॉन सी डी, ए डैश बी डैश अपॉन सी डी हमने लिखा। फिर आपके देख लो बी डैश सी, बी डैश सी अपॉन यहाँ पर सी एफ, बी डैश सी अपॉन सी एफ। अब यहाँ पर बेटा देख लो, बट सी डी इक्वल टू ए वी। अब यहाँ लिख ही देता हूँ, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी यहाँ देख लो। तो इस तरह से इक्वेशन बन गया, ए डैश बी डैश अपॉन ए वी इक्वल टू बी डैश सी अपॉन सी एफ, सेकेंड इक्वेशन हो गया। फ्रॉम एफ पॉइंट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट में आपके हो गए बी डैश सी अपॉन बी सी इक्वल टू बी डैश सी, ओ सॉरी सी, ये बेटा हो गया बी डैश एफ, लिखना था यहाँ पर बी डैश एफ, यहाँ बी सी पर छूट गए, बी डैश एफ अपॉन सी एफ, बी डैश एफ अपॉन एफ अपॉन सी एफ, बी डैश एफ अपॉन सी एफ। यूजिंग यूजिंग कार्टेजियन, कार्टेजियन साइन कन्वेंशन, कार्टेजियन साइन कन्वेंशन। अब आपके देख लो बी डैश सी, बी डैश सी क्या चीज है? बी डैश सी यहाँ पर ये वी हो गया माइनस वी, बी डैश बी सी, बी सी इक्वल टू माइनस यू। और देख लो बी डैश एफ है,
तो बी डैश एफ यहाँ से सी तक और यहाँ से सी एफ, इसको लिख देते हैं बी डैश एफ इक्वल टू बी सी प्लस सी एफ। बी सी आपका हो गया बी डैश सी प्लस सी एफ, बी डैश सी दैट इज माइनस वी प्लस एफ और सी एफ प्लस एफ, हम एफ इस साइड लेते हैं। आ गया बात समझ में? पुटिंग दीज वैल्यूज, ये आपका थर्ड लिखी है इक्वेशन, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड। अब बी डैश सी की जगह पर माइनस वी, बी सी की जगह पर माइनस यू, दिस इक्वल टू बी डैश एफ, तो माइनस वी प्लस एफ और अपॉन एफ सी एफ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, देख लो इससे हमने माइनस वी एफ दिस इक्वल टू यू से किए तो यू वी माइनस यू एफ डिवाइडिंग ईच टर्म बाय यू वी एफ, इससे डिवाइड करेंगे, देख लो माइनस यहाँ पर वी एफ है, वी एफ के जगह पर यू वी एफ, दिस इक्वल टू यू वी है तो यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ, यू एफ अपॉन यू वी एफ, इसमें से देख लो बेटा वी एफ कट जाएगा, यहाँ पर बच गया माइनस वन बाय यू, यू वी कट गए, काट लो ऐसे करके तो वन बाय एफ माइनस यू एफ और यू एफ कट गए तो वन बाई वी, अब वी वाले को इधर ले आओ तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू वन बाई एफ, दिस इज रिक्वायर्ड लेंस फार्मूला। अब आपके देखो बड़ा टुकड़ा में हम कर दिए क्योंकि लंबा क्लास हो जाएगा, कन्वेक्स का आज हमने कर दिए हैं दोनों केस में, तो कन्वेक्स का आज आप जैसे निकाल लेते हो ये कन्वेक्स का हो जाएगा, तो आपका लेंस फार्मूला इन कन्वेक्स लेंस, इट इज़ वेरी इजी, आप आराम से बना सकते हो, जरा ध्यान रखो। तो थैंक यू।